परिस्थितियां बिगड़ने के बाद जो इंसान खड़ा होकर उससे लड़ता है वही इंसान आगे चलकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। जिंदगी को एक नई दिशा देने में वो इंसान फिर कभी गुरेजता नहीं है। आज का ये वीडियो एक ऐसे शख्स की कहानी बताएगा जो बदहाली से ऊपर उठकर नामचीन जिंदगी जीता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे दबंचा.com के फिल्मी किस्सा है। साल था 1950, तारीख थी 18 अक्टूबर। इस दिन राजेश पुरी और तारा देवी के घर अंबाला में एक नन्ही सी जान की किलकारी गूंजी। किलकारी गूंजने के बाद घरवालों ने आपस में मिठाइयां बांटी। नन्ही सी जान का नाम ओम प्रकाश पुरी रखा गया। ओम प्रकाश पुरी के पापा ब्रिटिश इंडिया में एक सैनिक थे और रेलवे में काम करते थे। उनका एक भाई वेद प्रकाश पुरी है। हालांकि इनके जन्मदिन को लेकर असमंजस ही रहा है, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि ओम प्रकाश दशहरे से 2 दिन पहले हुए थे। तो ओम प्रकाश ने बड़े होकर 1950 का कैलेंडर देखकर अपने जन्मदिन की तारीख रखी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पापा राजेश रेलवे में नौकरी करते थे, उनके ऊपर सीमेंट चोरी करने का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जब किसी के घर से कमाने वाला सदस्य निकल या मर जाता है, तब वो परिवार दर दर की ठोकरें खाने लग जाता है। यही हाल ओम प्रकाश के घर का हुआ। ओम प्रकाश के परिवार के ऊपर से छत निकल चुकी थी। परिवार का पेट भरने के लिए ओम प्रकाश के भाई वेद प्रकाश ने रेलवे में कूली का काम करना शुरू कर दिया और खुद चाय की दुकान पर काम करने लगे थे। रेलवे की पटरियों से कोयला बीन कर लाया करते थे। ऐसे काम करके ओम प्रकाश ने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। एक दिन वो खालसा कॉलेज में थिएटर देखने गए थे। तब ओम प्रकाश पुरी को थिएटर में रुचि आने लगी, तो उन्होंने पंजाब के लोकल थिएटर पंजाब कला मंच से जुड़ गए। फिर उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। NSD में उनके दोस्त नसरुद्दीन शाह थे। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अपनी अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से वहां से निकलने का सोचने लगे। तब इब्राहिम अलका ने पुरी को कहा कि तुम हिंदी में ही बात करो। फिर उसके बाद ओम प्रकाश पुरी धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीखने लगे। NSD के बाद पुरी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद मुंबई चले गए। ओम प्रकाश ने सिनेमा जगत में आने पर अपने नाम को ओम पुरी से बदल लिया। साल रहा 1976। उस साल ओम पुरी ने अपनी पहली फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम घासीराम कोतवाल था, जो 1972 में आई मराठी प्ले पर बनी हुई थी। यह फिल्म मराठी में बनी थी। ओम प्रकाश ने कला फिल्मों यानी थिएटर फिल्म से लेकर टेलीविजन, हिंदी फिल्मों और हॉलीवुड की फिल्मों तक का सफर किया था। फिल्मों में वह कॉमेडी हो या इमोशन, ओम पुरी जो भी किरदार निभाते उसमें जान डाल देते थे। बॉलीवुड में ओम पुरी ने आस्था, डर्टी पॉलिटिक्स, अर्धसत्य, चाइना गेट, आक्रोश, जाने भी दो यारो, गांधी, बजरंगी भाईजान, घायल, प्यार तो होना ही था, नरसिन्हा, डॉन 2, सिंग इज किंग, माचिस, चाचिस, 420, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और पार जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। ट्यूबलाइट उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था। साल 1981 में फिल्म आक्रोश के लिए उनको सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आरोहण और अर्धसत्य के लिए नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। इसके साथ ही उन्हें 1990 में पद्मश्री और 2004 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से भी नवाजा गया है। 2009 में नंदिता ने ओम पुरी के ऊपर एक किताब अनलकी हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी लिखी थी। उस किताब में नंदिता ने ओम पुरी की पुराने संबंधों की सारी बातें ऐसी बेबाकी से लिखी थी, तो ओम पुरी ने नंदिता को डांट दिया था। 2013 में नंदिता ने ओम पुरी के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया था, जिसके चलते उनका तलाक हो गया था। चेहरे पर गड्ढे होने की वजह से ओम पुरी को कुछ लोगों ने बोला भी था कि वो हीरो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने अभिनय के चलते उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपने नाम सबकी जुबान पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। 1991 में ओम पुरी ने अभिनेता अन्नू कपूर की बहन डायरेक्टर और लेखक सीमा कपूर से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी महज 8 महीने ही चल पाई थी।
उसके बाद 1993 में ओम पुरी ने महिला पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की। उन दोनों से उनके एक बच्चा ईशान पुरी है, लेकिन ये शादी भी कुछ खास चली नहीं। 2013 में दोनों अलग हो गए थे। ओम पुरी की मृत्यु 6 जनवरी 2017 को हार्ट अटैक आने की वजह से हुई थी। आप इस फिल्मी किस्से के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी कर दें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सौरभ आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।